हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी की तैयारी कैसे करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम 2022 में 95% प्लस मार्क अचीव कर सकें। स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2022 देना है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी की तैयारी कैसे करें ताकि बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आप 95% प्लस मार्क अचीव कर सकें। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हिंदी हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसी के कारण हमारा परसेंटेज बढ़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो ये छोटा सा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगा कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, बल्कि ये भी बताऊंगा कि हिंदी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको तुरंत पढ़ लेना चाहिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंस है, कौन सी कहानी आपको पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से पहले वाला स्पेशल वीडियो है जो कि मैं हर साल आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो देखिए, कहीं आप इसको मिस ना कर दें, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, ट्वेल्थ हिंदी की तैयारी कैसे करें, इस तरह करोगे तो 95% प्लस मार्क आपको हिंदी में मिलेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम हिंदी की तैयारी के बारे में बात करें तो हमारे मन में एक सवाल उठता है जो कि आता है जीवन परिचय से रिलेटेड, ठीक है, कि सबसे पहले महत्वपूर्ण जीवन परिचय को पढ़ें। आप लोग जब हिंदी की तैयारी की बात करते हैं तो आपके मन में हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में जीवन परिचय आते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप महत्वपूर्ण जीवन परिचय पढ़ें। आप में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है हिंदी साहित्य के, उसको कम से कम 20-20 प्रश्न आप डेली पढ़ेंगे तो आप आसानी से तैयारी अपनी कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, लेकिन जीवन परिचय की बात की जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 4-5 जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी गद्य में बात करें तो वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, ठीक है। हिंदी पद्य में आपके हो गए अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो आपको इन सभी इन पांचों लेखक और कवियों का जीवन परिचय पढ़ लेना है, साहित्यिक परिचय उनका पढ़ लेना है, उनकी रचनाएं पढ़ लेनी है। आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक ना एक लेखक और कवि का जीवन परिचय जरूर आएगा, ठीक है। तो लेखक की बात की जाए तो कौन कौन से, देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। कभी में बात किया जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण जीवन परिचय को पढ़ें, इन पांचों लेखक और कवियों का जीवन परिचय आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात किया जाए जीवन परिचय की बात, तो आपको क्या करना है, हिंदी के ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़िए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जीवन परिचय तो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, लेकिन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि कौन सा बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, क्योंकि मैं ये तो नहीं बता सकता, बट ये जरूर बता सकता हूं कि कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न बीबीआई हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो हिंदी के ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़िए। अगर आप डेली 20-30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और बहुविकल्पीय प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग लापरवाही मत कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए, उसमें हिंदी को भी आप डेली 1 से 2 घंटे दीजिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बहम है कि जैसे बोर्ड एग्जाम आएगा, हिंदी का पेपर आएगा, 2-4 दिन 10 दिन बचेगा, मैं हिंदी की तैयारी कर लूंगा, लेकिन 10 दिन में कुछ नहीं होगा, यह समझ लीजिए। जितना सरल आप हिंदी को समझ रहे हैं उतना सरल यह है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिंदी को अभी से तैयार करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा समय देना है। उसके बाद में देखिए, अब बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद मैं बात करूं तो कहानी जो है आपके, जो बहादुर और पंचलाइट कहानी है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, बहादुर तथा पंचलाइट कहानी के सारांश तथा उद्देश्य को पढ़िए, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, तो आपको बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों पता होना चाहिए, दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं
तो इसको जानना चाहते हैं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं बहादुर कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर, कुछ भी आप सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। बस पीछे मेरे चैनल का नाम रख दीजिए अगर आपको मेरे चैनल से वीडियो देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप बहादुर तथा पंचलाइट कहानी के सारांश और उद्देश्य को पढ़ लें क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी सब कुछ, मैं बता चुका हूं, अगर एक बार आप सुन लेते हैं आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन कहानियों को पढ़ लेना है क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो आपके सिलेबस में खंड काव्य हो, ठीक है, जो आपके सिलेबस में हो उस खंड काव्य को पढ़ लीजिए। खंड काव्य का मतलब जैसे आपका त्यागपत्री हो गया, श्रवण कुमार हो गया, रश्मि रथी हो गया, जो भी खंड काव्य आपके सिलेबस में है आप उसको पढ़िए, ठीक है। क्योंकि सभी का अलग अलग खंड काव्य होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो है आप उसको पढ़िए क्योंकि उस वो खंड काव्य जो है हमेशा आता है और आपका जो है मार्क इसके लिए हमेशा क्लियर रहता है, ठीक है। तो हिंदी का जो पार्ट खंड का है उसमें इतनी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गद्यांश पद्यांश तो आप चैप्टर पढ़े होंगे, आपको सॉल्व करना भी आता होगा, मैंने बहुत सारे गद्यांश और पद्यांश सॉल्व कराए हैं, आप उनको वहां से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो बात किया जाए हिंदी संस्कृत में, ठीक है, खंड खा में हम आते हैं तो सबसे पहले हमारे हिंदी संस्कृत आता है। तो सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश आएगा, तो गद्यांश में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, संस्कृत भाषायाम महत्वम, और एक है आपका गद्यांश में जो है महामना मालवीया चैप्टर, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके इन दोनों चैप्टर के आपको अर्थ को पढ़ लेना है, किस तरह हिंदी गद्यांश हिंदी संस्कृत का गद्यांश सॉल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर पद्यांश का बात किया जाए तो जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है, देखिए मैंने लिखा है कि हिंदी संस्कृत में सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सभी श्लोकों को पढ़ लें, यानी कि सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है इसका एक भी श्लोक आपको नहीं छोड़ना है, सभी का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर को आप घोल कर पी लीजिए या कुछ कीजिए, आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िए क्योंकि इस चैप्टर से जो पद्यांश आपके हैं हिंदी संस्कृत के वो जरूर आते हैं, एक ना एक जरूर आएगा, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपका 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हिंदी संस्कृत के पद्यांश में सुभाषित रत्नानी चैप्टर ही एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा श्लोक हैं और उसी से पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो हिंदी संस्कृत के गद्यांश की बात की जाए तो दो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपका महामना मालवीया, एक है आपका जो है संस्कृत भाषा या महत्वम, ठीक है। तो ये और एक पंचशील सिद्धांता जो आपका चैप्टर है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर तीन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी संस्कृत के गद्यांश में। बात किया जाए पद्यांश में तो सुभाषित रत्नानी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर के मीनिंग को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर व्याकरण में बात किया जाए, देखिए अगर मुहावरे और लोकोक्तियां शब्द योग विभक्ति और वचन संधि विच्छेद, इसमें आपको क्या करना है डेली 10-10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करते हैं सॉल्व कीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस बनेगा, आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रस छंद अलंकार की, ठीक है, सभी रस सभी छंद और सभी अलंकार को पढ़ दो। देखिए स्टूडेंट अगर आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्का करना है तो आपको रस छंद अलंकार पता होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि रस छंद अलंकार एक ही वीडियो में आप पढ़ लें तो जाइए सर्च कीजिए रस छंद अलंकार इन वन वीडियो शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा 20 से 22 मिनट का वीडियो, अगर आप वो देख लेते हैं आपका सभी रस सभी छंद और सभी अलंकार पक्का हो जाएगा और आप लोगों को सभी का डेफिनेशन सभी का उदाहरण सब कुछ पता चल जाएगा, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो आपको सभी रस सभी छंद और सभी अलंकार को पढ़ लेना है। रस में जैसे आपका हास्य रस करुण रस वीर रस, छंद में होगा दोहा सोरठा चौपाई कुंडलिया, अलंकार में हो गया रूपक यमक श्लेष उपमा, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो जाइए देखिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए क्योंकि यही सब टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ अगर यही आप पढ़ लेंगे तो आप पास तो आसानी से हो ही सकते हैं लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में जो परसेंटेज है 95% उसको भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप लोग मेहनत करेंगे लगातार प्रयास करेंगे तभी आपका ये मार्क संभव है, ठीक है। तो जाइए जो टॉपिक मैं बता रहा हूं सबसे पहले आप उसको पढ़िए और उसके बाद में आपको पूरी तैयारी करनी है, ठीक है, फुल स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए सबसे पहले पत्र लिखने का सही तरीका जान लीजिए। देखिए स्टूडेंट पत्र लेखन में आपको रटना नहीं है क्योंकि किस टॉपिक पर पत्र लिखना आ जाए ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आपको पत्र लिखने का जो पैटर्न है
जो तरीका है वो पता होना चाहिए। जब आपको तरीका पता होगा तभी आप पत्र लिख पाएंगे सही तरीके से। तो अगर आपको तरीका पता है आप किसी भी टॉपिक पर पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पैटर्न जानिए, सही तरीका पत्र लिखने का अगर आपको पता है आपको पत्र आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बात करें निबंध लेखन की, तो आपको निबंध में कौन कौन से हेडिंग डालने हैं, किस प्रकार से निबंध लिखना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आप लोग जाइए सर्च कीजिए कोरोना वायरस पर निबंध शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको COVID-19 पर निबंध लिखना भी मैंने बताया है और किस प्रकार से आपको निबंध लिखना है वो पैटर्न भी मैंने बताया है। तो आपको हेडिंग पता होना चाहिए, प्रस्तावना डालना है स्टार्टिंग में, लास्ट में उपसंहार डालना है। जब यही आपको नहीं पता रहेगा आप कैसे लिखेंगे निबंध, ठीक है। तो जाइए वहां से देखिए। और बात करें इंपॉर्टेंट निबंध की हिंदी में, तो कोरोना वायरस पर निबंध, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, ये सब निबंध इंपॉर्टेंट है। भारत में बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, इस पर निबंध आएगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने टॉपिक मैंने बताए हैं, जितने चैप्टर मैंने बताया, उसको आप पहले जाकर पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये भी बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे 12th हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपको परिश्रम करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, तभी आप बोर्ड एग्जाम में और हिंदी में 95% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदी की तरह मैं और भी सब्जेक्ट के लिए इसी तरह का वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तो आपको मैं अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।